जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। और कथा इस प्रकार है, पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की भी कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात में विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सागर ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। अब जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जागृति चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर गर्वणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर सीख तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार होकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याग्र हो रहे होंगे। उधर उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिल पत्र पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई और एक हिस्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि उसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई थी, पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग का परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता
सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यही करुणा की वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में चार प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है, मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः अतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर देते हैं तो कल्याण मार्ग को अनुसरण करने वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। और इस प्रकार शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा समाप्त हुई।